उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। और वो पार्ट जो कि जमीन से यानी कि सोयल से अबव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। अब हम लोग को पता है कि रूट सिस्टम में तो सिर्फ ये रूट आ गया, ठीक है। अब शूट सिस्टम में आपको क्या आ जाएगा? तो शूट सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये आपका वो प्लांट का वो पार्ट जो कि प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहने में जमीन से ऊपर मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आपका, ये क्या है? स्टेम है। उसके बाद स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस स्टेम से ये जो छोटे छोटे क्या है, ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ये आपका ब्रांचेस हुआ। अब उस ब्रांचेस में ही आपके लीव्स हो जाएंगे, फ्रूट्स और फ्लावर्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रांचेस में आप देख सकते हो, यहाँ फ्लावर्स है, फिर ये फ्रूट्स है, फिर ये लीफ आपका है। तो ये आपका डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जो है प्लांट के पार्ट्स के बारे में है। और ये याद रखिएगा कि प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, और जो सॉइल का अबव होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में ये सारे प्लांट के पार्ट्स आ जाते हैं, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ और ब्रांचेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट ईटन बाय अस, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो हम लोग खाते हैं। क्या आपको पता है? आपको तो सिर्फ लगता होगा कि हम लोग जो प्लांट्स है उसका सिर्फ वेजिटेबल्स यानी कि जो फ्रूट्स होता है वो खाते हैं, लेकिन हम लोग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। प्लांट्स में हम लोग रूट को भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, हम लोग लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो पार्ट्स है हम लोग खाते हैं। कह रहे कि वी नो दैट द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स, वी ईट दिस डिफरेंट पार्ट्स इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। कह रहे कि जो फूड प्लांट के द्वारा बनाया जाता है वो अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है, ठीक है। और हम लोग वो अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के रूप में खाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं प्लांट के, हम लोग इस रूप में भी खाते हैं, जैसे रूट्स भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी, फ्लावर्स भी और सीड्स भी खाते हैं। आप जानते हैं कि रूट्स में हम लोग क्या खाते हैं? तो जो हम लोग कैरेट, गाजर खाते हैं, रेडिश, मूली खाते हैं और टर्निंग, तो ये जो हम लोग खाते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं? रूट होता है। आप देखोगे कि गाजर, मूली, ये सब जमीन के नीचे से निकाला जाता है। उसके बाद स्टेम, तो स्टेम में हम लोग क्या, जो पोटैटो, जिंजर यानी कि अदरक और सुगर केन जो हम लोग खाते हैं, ये क्या है? एक्चुअली में स्टेम होता है और हम लोग वो स्टेम ही खाते हैं। फिर लीव्स, पत्ता, तो लेट्यूस, स्पिनेच, ये सब क्या होते हैं? पत्ते होते हैं जिनको हम लोग खाते हैं। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में टोमेटो, एप्पल, ककंबर, ये सब क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। और सीड्स आपके पीज, मटर देखते हो ना, तो पीज या पीनट्स, ये सब हम लोग क्या होते हैं? सीड्स होते हैं जो कि हम लोग ईट करते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट के पार्ट्स थे जो कि हम लोग खाते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट्स जो होते हैं खाते हैं, तो वो उनके नेम क्या क्या है, जैसे रूट में कैरेट और रेडिश, ये सब खाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट है उसका अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। अब उस डिफरेंट पार्ट्स के बाद हम लोग को पढ़ना है कि हर पार्ट का फंक्शन क्या है। जैसे प्लांट में रूट है तो रूट का क्या काम है, लीफ का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, बर्ड्स का, फ्रूट्स का क्या काम है, तो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स के काम को, उसके फंक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं The roots anchor the plant to the soil. Soil में plants को पकड़े रहे, ठीक है। तो वो कौन, वो वर्क कौन करता है? रूट्स करता है। रूट का और क्या काम है? तो रूट जो है वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। आप लोग देखते हो ना, हम लोग जब भी पौधों में पानी देना होता है तो हम लोग सॉइल में देते हैं,
ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद स्टेम, स्टेम क्या करता है, अब देखो जो पानी और जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व किया है ग्रुप ने, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको दूसरे दूसरे पार्ट में भेजना, वो किसका काम है, वो स्टेम का काम है, ठीक है। उसके बाद लीव्स, लीव्स क्या करता है, तो लीव जो होता है वो प्लांट के लिए खाना बनाता है, ठीक है। यानी खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और किस प्रोसेस के जरिए बनता है, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, वो एयर, वाटर, सनलाइट इसका यूज करता है और यूज करके फूड बनाता है। चूंकि खाना लीव्स में बनता है, इसलिए लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद फ्लावर्स, अब फ्लावर्स क्या होते हैं, तो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट में बदल जाते हैं, और फ्रूट्स जो होते हैं उसमें सीड होता है, और उस सीड को जब हम लोग दोबारा बोते हैं, उस सीड को जब सॉइल में दोबारा हम लोग ये करते हैं, सो करते हैं, तो उससे नए प्लांट्स हमारे उग जाते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट्स जो है उनके पार्ट्स का फंक्शन, अलग अलग पार्ट जो है प्लांट का उसके फंक्शन के बारे में था कि उनका काम क्या होता है। और जब भी आपसे कोई पूछे कि प्लांट्स में खाना कहाँ बनता है, तो प्लांट्स में याद रखना फूड जो है वो लीफ में बनता है, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और ये भी आपसे कोई पूछेगा कि किस प्रोसेस के जरिए खाना बनता है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनता है। क्या क्या चीज यूज होता है, तो उसमें एयर, वाटर, सनलाइट ये चाहिए होता है फूड बनाने के लिए प्लांट में। इसके बाद थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट टू ग्रो। अच्छा, कभी सोचो प्लांट्स उगते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को बढ़ने के लिए खाना की जरूरत होती है, तो प्लांट्स को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको सॉइल चाहिए। अच्छा, खुद सोचो सॉइल क्यों चाहिए, अभी से पहले हमने पढ़ा ना, सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट जो होता है वो यूज करता है खुद को बढ़ने के लिए, इसलिए सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, पानी। हम लोग हमेशा पौधों को पानी देते हैं क्योंकि उनको पानी की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। वाटर चाहिए, एयर चाहिए, हवा, हवा जिस तरह सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एयर की जरूरत होती है, जिस तरह हमें जरूरत है उस तरह प्लांट को भी एयर की जरूरत है, और सनलाइट, और सूरज की रोशनी, सनलाइट भी बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना सनलाइट के प्लांट्स जो होते हैं वो खाना नहीं बना सकते। तो ये हम लोग को पता चल गया कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो उनको सॉइल, वाटर, एयर और सनलाइट, ये आप सब भी याद रखोगे कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल, वाटर, एयर और सनलाइट की जरूरत होती है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट, ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम अ सीड, बीज से एक नया प्लांट कैसे होता है। आप लोग खुद देखते होंगे किसी का फार्म होगा, वहां पे लोग बीज बोते हैं और बोलते हैं कि इससे नए प्लांट्स होंगे, तो वो कैसे होते हैं, तो उसके बारे में समझते हैं। देखना, आप कोई भी प्लांट होता है तो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं, उस फ्रूट्स में ना सीड होते हैं, यानी बीज होते हैं, ठीक है। उस सीड के अंदर ही क्या होता है, छोटा सा बेबी प्लांट होता है, और जब उनको वो कंडीशंस दिए जाते हैं जो जरूरी होते हैं उनके ग्रो करने के लिए, तो वो प्लांट्स उसमें से, वो बेबी प्लांट्स वो सीड में से निकलते हैं और फिर एक बड़े प्लांट्स की तरह ग्रो करते हैं। देखो क्या होता है कि जब सीड को हम लोग सॉइल में डालते हैं, तो वहां पे उसको काफी मात्रा में एयर मिल जाता है, फिर पानी हम लोग डालते हैं, और सूरज की रोशनी, सनलाइट से उसको वार्मथ यानी गर्मी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि रूट्स ऑफ द बेबी प्लांट, यानी कि वो जो बेबी प्लांट का रूट्स होता है, वो सीड कोट से, जो सीड होता है इस सीड में से, ठीक है, इसके ऊपर कोट होता है, उसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो रूट्स निकलते हैं सीड कोट से, वो सॉइल में नीचे की तरफ जाते जाते हैं, ठीक है, और उसी समय स्टेम जो होता है वो निकलता और सॉइल में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है, सॉइल के ऊपर हो जाता है। नाउ द लीव्स, अब उसके बाद ये रूट्स नीचे ग्रो कर गए, ठीक है, सीड कोट से,
उसके बाद ये स्टेम जो है ऊपर की तरफ ग्रो कर गया, ये सॉइल के ऊपर अब इस स्टेम से पूरा निकल जाता है और ये सीड कोट कट जाता है और ये स्टेम से फिर ब्रांचेस निकलेंगे, इसमें लीव्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, सब हो जाएंगे और फिर वहां पे फिर उसमें जो लीव्स होंगे, लीव्स में खाना बनेगा, उससे प्लांट को पूरी तरह से और ग्रो करने के लिए एनर्जी मिल जाएगा। उसके बाद फिर उस लीव से वहां पे फूड बनेंगे प्लांट्स के लिए, उस नए प्लांट्स में फिर फ्लावर्स ग्रो कर जाएगा, फ्रूट्स ग्रो कर जाएगा और सीड्स होंगे, फिर उस सीड्स को बोएंगे, फिर नए प्लांट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बीज से एक नया प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। तो ये पूरा जो था ये प्लांट्स के बारे में था। आई होप बच्चों कि आपको प्लांट्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो प्लांट्स के बारे में वो दूर हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का बुक वर्क कीजिए और पढ़िए। डाउट क्लास हमेशा डाउट अपने साथ रखिए ताकि आपका लाइव क्लास हो तो उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर्स को मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, जो आपको अपने ईवीएस की फेयर कॉपी में लिखनी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपका ये वीडियो ओवर होता है और ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।